ओम नमः शिवाय। महाराष्ट्र में सातारा जिला स्थित यह भगवान शिव शंकर का एक अद्भुत स्थान है। यहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर, बड़ी ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर ये मंदिर स्थित है। शुरुआत में श्री गणेश जी का दर्शन किया, अभी नंदी का दर्शन कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा नंदी यहाँ पे विराजित है। अभी हम लोग मंदिर बाहर से देख रहे हैं और यहाँ पे पीछे भी पहाड़ी दिखाई दे रही है। भगवान गणेश जी अप्रतिम प्रतिमा है। महाबली हनुमान अप्रतिम दरवाजा, भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा है। मंदिर अत्यंत सुशोभित है। हम लोग अभी मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। फिर एक बार गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पे है, कृतिमुख है यह मंदिर। अंदर से बहुत अच्छा सुशोभित किया हुआ है और ये मंदिर के पुजारी जी है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। यह मंदिर मेरुलिंग तथा नरफ देव ये नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री क्षेत्र मेरुलिंग नरफ देव। ये भगवान शिव जी की प्रतिमा है और यहाँ पे अभी हम लोग एक अद्भुत शिवलिंग देखने जा रहे हैं। इसी को रुद्राक्ष शिवलिंग ये नाम से जाना जाता है। ये पुजारी जी है, इनको पूछा गया है कि आपका दूरध्वनि क्रमांक क्या है, तो वो यहाँ पे उनका दूरध्वनि क्रमांक बता देंगे। और उसके बाद उन्होंने जो जानकारी दी है वो मराठी भाषा में दी है, मैं अभी आपको वही हिंदी भाषा में दे रहा हूँ। तो ये इनका दूरभाष क्रमांक है, आप इधर आना चाहते हो तो पहले उनको दूरध्वनि कर दीजिए। अभी ये जो शिवलिंग है ये रुद्राक्ष शिवलिंग, यह नाम से रुद्राक्ष शिवलिंग जाना जाता है। इसमें 7 छोटे छोटे छिद्र है जो पानी से भरे हुए रहते। तो इन्होंने एक दिखाया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके 7 और एक है। तो ऐसे करके 7 शिवलिंग, 7 छिद्र इसी प्रकार के शिवलिंग में है। तो इसे जाना जाता है रुद्राक्ष शिवलिंग ये नाम से। ये स्वयंभू शिवलिंग है और साल भर उसमें पानी भरा हुआ रहता है। वो पानी अंदर से आता है, जमीन के अंदर से पानी आता है। यह शिव जी की प्रतिमा है, पार्वती देवी विराजमान है। अभी और एक बात है, यहाँ पे नंदादीप है। तो ये नंदादीप पूरी साल भर चालू रहता है। यहाँ पे शंख, नाग ये भी चीज़ें हैं। ये नंदादीप कायम स्वरूपी चालू रहता है। अगर आप इसमें तेल डालेंगे तो आपके नाम से साल भर तेल वहाँ ही रहेगा। तो स्मृति में रखिए कि यहाँ आते समय 1 लीटर तेल लेके आइए तो अच्छा है, क्योंकि ये बड़ी पहाड़ी में ये जगह है। तो यह सब चीज़ें ये पुजारी जी ने बताई है। ये मंदिर हम लोग फिर एक बार बाहर से देख रहे हैं, बहुत पुरातन मंदिर है। यहाँ पे किले जैसा स्वरूप इस मंदिर को दिया है। पीछे जो पहाड़ी दिख रही है वो टेबल लैंड है वास्तव में, और ऊपर भी हम लोग आराम से जा सकते हैं। अभी यहाँ तक आने के लिए रास्ता हुआ है, मार्ग है, करके हम लोग वाहन लेके, छोटा वाहन अगर रहेगा आपके पास तो ऊपर तक आ सकते हैं, वरना इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना ऊंचा
ऊंचाई पे ये स्थान है। यहाँ पे और एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो एकदम चोटी पे मंदिर है, मगर वहाँ जाने के लिए वाहन जाने योग्य रास्ता नहीं है, तो आपको चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत किले दिखाई देते हैं, तो चंदन वंदन नाम के किले सामने हैं। इसी के बाद यहाँ पे वैराटगढ़, जो कि स्वयं राजा विराट के नाम से जाना जाता है, वो वैराटगढ़ यहाँ पे है। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है वैराटगढ़। ये भी बहुत ऊंचा किला है, ऊपर चल के ही जाना पड़ता है। यहाँ पे जो प्लेटू है उसके अलग अलग लेवल है, तो हर एक लेवल पे एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे ही छोटा सा मंदिर उधर देख रहे थे, यहाँ तक रास्ता है आने के लिए। पीछे का प्लेटू जो टेबल लैंड के रूप में यहाँ से दिखाई दे रहा है, मगर ऊपर चढ़ने के लिए आसान सा रास्ता है। ये सब कृष्णा नदी का रीजन है, इसी को बोला जाता है कृष्णा रिवर बेसिन। और यहाँ पे अलग अलग ऐसे स्तर पे अलग अलग मंदिर, छोटे छोटे मंदिर भी है, जैसे कि ये गणेश जी का मंदिर है और हम ये मंदिर के पास अभी जा रहे हैं। तो ये दूसरा मंदिर है, आते वक्त रास्ते में ये मंदिर दिखाई देता है। बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन ये मंदिर में दिखाई देता है, और सूर्यास्त होने से पहले यहाँ पे चमक भी बहुत अच्छी तरह से मंदिर के ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ से वो मंदिर कितनी ऊंचाई पे है, अभी जो मंदिर देखा था वही नीचे से हम लोग दिखा रहे हैं। और ये स्थान इतने ऊंचाई पे है कि यहाँ पे बहुत तेज हवा चालू रहती है। तो यहाँ पे ये वृक्ष जिस तरह से हिल रहा है, हमें पता चलता है कि कितनी तेज हवा यहाँ पे रहेगी। पीछे जो दिख रहा है पर्वत, उसी पे मेरुलिंग स्थित है। अभी यहाँ आने के बाद और क्या देखने को मिलेगा, तो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी पहाड़ी की श्रृंखला है, उसमें भगवान शिवजी का और एक अद्भुत स्थान है। इसी को कहा जाता है शिवपेटेश्वर, आगे कास प्लेटू, और ये सब पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे वन्य श्वापद जैसे तेंदुआ ये भी मौजूद होते हैं, जंगली सुअर भी बहुत है यहाँ पे। और ये जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, ये वेण्णा नदी के ऊपर स्थित डैम है, जिसको कहा जाता है कण्हेर डैम। और ठीक कण्हेर डैम के पीछे ही आपको ये बहुत बड़ा पहाड़ दिखेगा, इसमें गुफा के अंदर शिवलिंग है जिसे कहा जाता है शिवपेटेश्वर। और अभी जो मैं फोकस कर रहा हूँ, ये प्लेटू ऑफ कास, कास का पठार करके वहाँ पे जाना जाता है। अलग अलग किस्म के फूल यहाँ पे आते हैं, तो सितंबर महीने में आओगे तो यहाँ पे बड़े अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर रहना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है फोन बोर्ड के ऊपर, वहाँ पे आप रह सकते हैं।